हॉट सीट बन चुके मंडी संसदीय क्षेत्र में पहली बार दो ईवीएम मशीनों से मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंडी सीट से प्रत्याशियों की संख्या 16 से ज्यादा हो गई है। आज नाम वापस लेने की अंतिम तारीख थी, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया। 17 उम्मीदवार मंडी संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि 18वां ऑप्शन नोटा का होगा। एक ईवीएम पर अधिकतर 16 उम्मीदवारों के ही वोटिंग का प्रावधान होता है। इससे पहले मंडी सीट से इतने प्रत्याशी मैदान में कभी नहीं उतरे थे। जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि 17 प्रत्याशियों और नोटा ऑप्शन को सक्रिय करने के लिए 2500 और ईवीएम की डिमांड चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इसमें जो मुख्य हमारे लिए जो चैलेंज है इस बार, वो है कि 16 से ज्यादा हमारे पास उम्मीदवार फील्ड में है, और उसके चलते एक बैलेट यूनिट में सिर्फ 16 उम्मीदवार ही आ सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास 17 उम्मीदवार है प्लस एक नोटा की एंट्री होगी, तो 18 हमारे पास बटन होने चाहिए, जिसके लिए हमें हर पोलिंग बूथ पे दो बैलेट यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। उसके लिए जितने हमारे पास एक बैलेट यूनिट के लिए पर्याप्त मशीन्स हमारे पास उपलब्ध थी, अब दूसरे बैलेट यूनिट के लिए हमें इलेक्शन कमीशन के माध्यम से और ईवीएम्स मंगानी पड़ेगी, और उसकी प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। तो आने वाले दिनों में हमारे पास एडिशनल यूनिट्स आ जाएगी। हमारे पास लगभग 2500 बैलेट यूनिट्स एडिशनल हमें चाहिए होंगी इस चुनाव के लिए। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दोपहर 3 बजे के बाद सभी प्रत्याशियों या फिर उनके द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्तियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए। ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, और इन चिन्हों के आधार पर अब प्रत्याशी अपने प्रचार को आगे बढ़ा सकते हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है या जो पार्टी है जिनके पास सिंबल उनका रिजर्व नहीं है, उन सबको जो है वो चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया, और आने वाले दिनों में हमारी इलेक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पोस्टल बैलेट अभी हमारा तैयार हो जाएगा, बैलेट पेपर भी छपवाने के लिए चला जाएगा, और इलेक्शन की हमारी आगे की तैयारी शुरू हो जाएगी। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।